जब से सोड़ा इश्क पुत्र क्यों है पुत्र रुक क्यों गई पुत्र क्या सोच रही है नहाना अंगूठी क्या हुआ चल जीत जी मैंने रणवीर की आवाज सुनी वो मुझे बुला रहे थे वो ये समय रणवीर को मिस करने का नहीं छेती अंगूठी पहना
क्षण से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना है तो ये क्यों होता है, जब ये दिल रोता है, रोए सिसक सिसक के हवाएं, जग सुना लागे चंद से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे। मैं आपसे एक प्रॉमिस करती हूँ, मैं अब आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। इतने सारे वादे सब 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 टूट गया, सब खत्म हो गया। आप तो साक्षी थे ना उस प्यार के, उस वादों के। मिल गई खुशी आपको, मिल गई, अरे मिल गई ना खुशी। खुश होगा ना तू आज, खुश होगा, बहुत खुश। मेरा सब कुछ छीन के, अरे क्यों क्यों सब कुछ मुझसे मेरा छीन लेते हर बार, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ क्या मिला मुझसे, मेरा सब कुछ छीन के, मुझसे मेरा प्यार छीन के। अरे चुप क्यों है, जवाब दे मुझे, क्या मिला तुझे मेरे साथ ऐसा करके। जब भी साहब जी मेरे पास आने लगती है, क्यों छीन लेते तुम उसे मुझसे, क्यों छीन लेते हो। भगवान, भगवान कहते हो ना अपने आप को, अरे जान नहीं मानता मैं तुझे भगवान, कोई भगवान नहीं है। सब कुछ छीन लिया मेरा, सब कुछ। खुशी होता है प्यार करता हूं मैं साहब जी से, नहीं रह सकता मैं उनके बिना, प्यार करता हूं मैं उनसे, मैं अपनी साहब जी के बिना नहीं रह सकता। प्यार करता हूं मैं, प्यार करता हूं मैं आपसे साहब जी, प्यार करता हूं। परचाई जी, तुसी तो इतनी जल्दी इतनी सारी चीजें बना लेती हैं। परचाई जी, रणवीर को और भी जो कुछ पसंद है मुझे बता दीजिए, मैं बना देती हूँ। बस बस परचाई जी, हुन मेरी बारी है, मैं बनावांगी। मैं तो बस आपको ये बताने आई थी कि डॉक्टर नित्या का फोन आया था, वो बस ये पूछी थी कि रणवीर की तबीयत कैसी है वगैरह वगैरह। सच परचाई जी, बाबा जी भला करे उस डॉक्टर का, कितनी हिम्मत वाली है ना वो, उसने अपने जान की परवाह किए बिना रणवीर को पागल खाने से बकाया। अगर वो नहीं होती तो हमारा रणवीर हमारे पास कभी ना आता। पता नहीं बचाई जी, जब भी सोचती हूँ तो बार बार यही लगता है कि
मेरे रणवीर को बचाने वाली तो अपनी साहिबा ही है। हर वक्त उसी का नाम जपता था मेरा रणवीर, शायद इसलिए इतनी मुश्किलों के बाद भी मेरा रवि अपना वजूद पूरी तरह से भुला नहीं पाया। खैर अब तो सब ठीक है ना? हाँ परसाई जी। परसाई जी साहिबा कितने हैं? रणवीर के पास है। परसाई जी एक हफ्ता हो गया रणवीर को आए हुए, जब से मेरा पुत्र आया ना, या तो साहिबा उसके पास होती है या फिर उसके लिए कुछ कर रही होती है। जी, आपकी बेटी ने तो मेरे रणवीर के भाग खोल दिए। यही है बेटे, होया कि साहिबा तू तू ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, क्या हुआ? पागल खाने रहने से रणवीर को शायद वो पागल नहीं हूँ मैं, पागल नहीं हूँ मैं। उनका मतलब ये नहीं है। हाँ हम जानते हैं पागल नहीं, हम सब समझते हैं, लेकिन पता है क्या, जब से आप हॉस्पिटल से आए हो ना, आपको ना बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। हम लोग वही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये वो सपना नहीं था साहिबा, तू नहीं समझ रही, तू तू ना उसमें उसे तू, ये वो सपना नहीं था साहिबा, नहीं था ये वो सपना। भी मैं समझ रही हूँ, लेकिन लेकिन आपको सपने में और हकीकत में फर्क करना तो समझना पड़ेगा ना। पानी पियो। सामने हूँ, ठीक हूँ, ठीक, कुछ नहीं हुआ। दलजीत पुत्र आओ ना, पुत्र अंदर आ जाओ। जी ये घड़ी ठीक हो गई है और ये पासबुक चलता और हम साहिबा जी, साहिबा जी वो कल आपकी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है। अगर रणवीर की तबीयत ठीक हुई तो हम लोग आ जाएंगे, वरना मैं किसी और दिन का अपॉइंटमेंट ले लूंगी। दलजीत पुत्र सर, साहिबा का कहने का बुरा मत मनाना, तुम तो समझदार हो ना, इस वक्त उसकी ज्यादा जिम्मेवारी अपने पति की तरफ बनती है ना बेटे।
हाँ जी थैंक यू। वो मैं नहीं था तो सबका ख्याल रखा ना तूने। थैंक यू साहिबा। कन्हैया जी का घर यही है। हाँ हाँ यही घर है वो कन्हैया जी। सपना सपना देखा था मैंने। सपने में थी ये वो ये तू दूर है। पानी का मारे घर से पानी का पानी का इसको सपने में देखा था मैंने इसको ये वो ये कोई ये पानी का इसको पानी का मारे घर से पानी का मारे घर से चलिए ऊपर चलिए पानी का पानी का लेकर जाओ उनको ऊपर। पुत्र मैंने माफ कर दी मेरा रणवीर आज कोई बात नहीं आंटी जी मैंने वैसे भी वीर जी के बारे में सुना जो उनके साथ हादसा हुआ मुझे लगता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है मैं उनसे बाद में मिलूंगी। वो बेचारा आजकल बड़ा ना तनाव में है पुत्र। कोई नहीं आंटी जी मेरी फ्रेंड तो वैसे भी जिद कर रही थी कि मैं उसके यहाँ पे रुकूं और वैसे भी मैं यहाँ पे एक महीने के लिए आई हूँ। ठीक है जब दिल करे आ जाना। मैं फोन कर लूंगी बाय। जी मैं कह रही थी कि आप अपनी एक कृपा दमाद जी के सिरहाने रख दो वो उनको पूरे सपने आते हैं तो आप ठीक कह रहे हो रज्जो जी उन्हें लेके आता ये पकड़ो। जी आप इतनी हिम्मत लाते कहाँ से? हिम्मत क्या कहने जा रहे बच्चे? माफ कीजिएगा मुझे आपसे बात नहीं करनी चाहिए। आपको डर नहीं लगता अंकल जी कि आपकी बेटी कैसे इंसान के साथ जिंदगी गुजार रही है जो अपने हाथों से उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? क्या बात कर रहे पुत्र जुमाई है वो हमारा। रणवीर वो आदमी जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है आप शायद भूल रहे हैं लेकिन आप ही की बेटी के हाथ में जयमाला देके वो छोड़कर चला गया था। लंदन में साहिबा जी को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया था उसने। पैसों के लिए एक लड़की के साथ रहने लग गया। रणवीर वो आदमी है जो किसी का खून कर सकता है और आप अपने उस पर भरोसा कर रहे हैं? जी पुत्र जी मैं मानता हूँ रणवीर ने ये सब किया था पर अब वो सुधर गया अब वो पागल हो चुका है बिल्कुल पागल हो चुका है वो। उसे लगता है कि उसके ही परिवार वाले साहिबा जी को मार देंगे। मैं मानता हूँ रणवीर के साथ जो कुछ भी हुआ ना कच वो गलत हुआ है उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी लेकिन हम सच से मुंह नहीं मोड़ सकते और सच ये है कि आपकी बेटी साहिबा को रणवीर से खतरा है। रणवीर से खतरा है। रब से